सो हेलो एवरीवन, दिस इज रितु कक्कर, नर्सिंग ऑफिसर एट KGMC। सो गाइज, आप लोग वीडियो में बात करेंगे जो एम्स MSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसके बारे में। सो एग्जाम आपका 12th ऑफ जून को हो चुका है, अब आपका रिजल्ट आने की बारी है और आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-1.5 हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है, तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने ही वाला होगा। आप परेशान मत हो, रिजल्ट आ जाएगा और जल्दी आ जाता है। एम्स हमेशा अपने रिजल्ट्स वगैरह लेट नहीं करता, डिले नहीं करता। एंड गाइस, आप लोगों का ही क्वेरी आ रहा है कि मैम हम लोगों के एग्जाम में हमने कैलकुलेट करे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो इस मार्क्स में हमें कौन सा एम्स मिलेगा या कौन सी स्पेशलिटी मिल जाएगी और हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सो गाइस, प्लीज वेट फॉर द रिजल्ट। मैं तो आपको यही कहूँगी, ऑनलाइन भी कुछ कुछ कोचिंग सेंटर वाले अपना आंसर की निकालते हैं, वो भी मैच नहीं करती है एम्स के लिए। एम्स के कुछ अलग ही आंसर्स और उनके रैशनल होते हैं, तो आप उस पे मतलब एकदम रिलाय मत करना कि अगर ये कोचिंग सेंटर वाले बता रहे हैं कि ये भी आंसर है और आपके ये बन रहे हैं, तो आप प्लीज उन पे बिल्कुल भी, मैं तो थोड़ा सा भी रिलाय नहीं करने को बोलूँगा। जस्ट वॉन्ट टू से कि प्लीज़ वेट फॉर द रिजल्ट, एंड उसमें आपका पता चल जाएगा कि आपका क्या रैंक आया है, क्या परसेंटाइल आया है। लास्ट ईयर तक मार्क्स नहीं आते थे, सिर्फ परसेंटाइल और रैंक आता था, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा जो रैंक था वो 111 रैंक था एंड परसेंटाइल था वो 95% था। तो आप लोग भी वेट करें, ठीक है, और रिजल्ट आ जाए और आपका रैंक आ जाए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका कितना रिजल्ट आया और आप क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं। देखो, रैंक के हिसाब से अपना सब्जेक्ट अगर आप ऑप्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिनका हायर रैंक होता है तो वो मतलब जो स्पेशलिटीज होती है, जैसे OBG हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, क्रिटिकल केयर हो गया, ठीक है, 3 स्पेशलिटी होती है, लोग जल्दी से ग्रैप करते हैं और ये हायर रैंक वाले ही ग्रैप करते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पढ़े और ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारे हर सब्जेक्ट का आगे स्कोप है अपना अपना, ठीक है, बट नाउ डेज ही लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं और एक मेंटल हेल्थ भी आजकल लोग साइकेट्री बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, तो ये हायर रैंक वाले ही ग्रैप कर लेते हैं। तो अगर जिनका लो रैंक है तो वो तो आप ये इंस्टीट्यूट देख के डालना कि आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए भर रहे हैं, चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जैसे OBG की कितनी सीट्स हैं, ठीक है, आपकी रैंक क्या बन रही है और कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरह से आपका चॉइस फिलिंग रहेगा फॉर योर स्पेशलिटी, फॉर योर एम्स, कि कौन सा एम्स में आपको लेना है, ठीक है। कुछ एम्स जो है अभी कुछ टाइम से ही MSc इंक्लूड हुई है उन्हें, अभी उनके पास इतने ट्यूटर्स वगैरह भी नहीं है, बट स्टिल आपका MSc अच्छी जाएगी क्योंकि वहाँ पे APs हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स का कोलैबोरेशन भी रहता है रिसर्च में, क्योंकि मेनली जो MSc रहता है वो रिसर्च ही रहता है, तो कोलैब रहता है, तो आपका रिसर्च, ये मत समझना कि नए एम्स हैं तो आपका अच्छे से नहीं होगा, होगा, बट जो वेल स्टैब्लिश्ड एम्स है वहाँ पे चीज़ें स्मूथली चलती है, ये मैं आपको कहना चाहूँगी। जैसे एम्स ऋषिकेश है, एम्स जोधपुर है, एम्स दिल्ली है, एम्स भोपाल, पटना, ये सारे हैं पहले से बने हुए, वहाँ पे MSc के काफ़ी सारे बैचेज निकल चुके हैं, तो उनका हर चीज़ प्री प्लान्ड रहता है, हर चीज़ कैसे करना है और टीचर्स को हर चीज़ पता होता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से समझाना है, ये सब सारी चीज़ें प्लान्ड रहती है और हर चीज़ बहुत स्मूथली चलती है। हाँ, बट मैं ये कह सकती हूँ जो नए एम्स हैं उसमें चीज़ें डिले हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़े ट्यूटर्स कम होते हैं क्योंकि और अभी APs भी कम हैं, बट ये नहीं है कि आपके MSc पूरी नहीं होगी, पूरी होगी, अच्छे से पूरी होगी, बट जो चीज़ें पुराने एम्स, जो वेल स्टैब्लिश एम्स हैं जहाँ MSc वगैरह चल रही है, जो चीज़ें वहाँ पे एकदम क्विकली और स्मूथली होगी वो चीज़ यहाँ ना लैकिंग रहेगा, ठीक है। तो आप अपना रैंक और अपना स्पेशलिटी, अपना इंटरेस्ट, जो आपका स्पेशलिटी रहना चाहिए ना, तो मैं तो ये कहती हूँ प्लीज़ अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे भी स्पेशलिटी रहना चाहिए। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर रखना, ठीक है। अगर आपका रैंक कम है तो आप ये देखना कि आपको इस कम रैंक में मतलब जो स्पेशलिटीज़ हैं वो मिल जाएंगे या नहीं। आप लास्ट ईयर का कट ऑफ वगैरह निकाल के देख सकते हैं कि क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग अभी NORSET के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो एग्ज़ाम तो दे देते हैं बट ज्वाइन नहीं करते, तो लोअर रैंक वालों के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको MSc में सीट मिल जाती है, ठीक है। वैसे सीट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, और आपको स्पेशलिटी सारी पता होगी कि कौन से एम्स में कौन कौन से स्पेशलिटी है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बट आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम कि आपका 1-2 दिन या 3-4 दिन में रिजल्ट तो पक्का आ ही जाएगा, ठीक है। और सब लोग स्टाइपेंड का भी पूछ रहे हैं कि मैम स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता, तो मैं आपको ये बता दूँ, देखो MSc में पैसा बहुत खर्च होता है तो स्टाइपेंड भी बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग इतना वर्क कर रहे हैं, इतना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ का खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट आपको पे भी करती है 15,000 पर मंथ आपको पे करती है फॉर MSc। बट
एम्स दिल्ली में आपको ये स्टाइपेंड नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, बाकी सारे एम्स में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एमएससी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो इन बिटवीन, जैसे मैंने अपना कोर्स डिसकंटिन्यू करा था जब मुझे जॉब ले ली थी, तो ऐसे भी काफ़ी लोग करते हैं, तो उनके भी क्वेरी रहती है कि अगर हम जब हम बीच में डिसकंटिन्यू करेंगे कोर्स को, तो हम लोगों को कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर एक एम्स का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। लाइक एम्स ऋषिकेश में अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हो कोर्स, तो आपको 50,000 का पेनल्टी भरना पड़ता है। एम्स जोधपुर में 1,00,000 का पेनल्टी है, ठीक है। एम्स दिल्ली में कोई पेनल्टी नहीं है, आप नॉर्मली फ्रीली छोड़ सकते हैं कोर्सेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पॉलिसी हर एक एम्स टू एम्स वेरी करती है, ये नहीं है कि एम्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है तो सारी पॉलिसी सेम ही चलेगी, ऐसा नहीं है, एम्स टू एम्स डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एम्स दिल्ली में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बाकी सारी जगह आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और आप बीच में डिसकंटिन्यू कोर्स करते हो, तो वहाँ की आपको एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना पड़ेगा कि आपको कितना पेनल्टी भरना है। तो आई होप आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, एक रफली आइडिया भी मिल गया है कि आपको कैसे आपको अपना चूज़ करना है, अपना स्पेशलिटी और अपना एम्स किस तरह से चूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को टू